जय हिंद दोस्तों, मैं सैनिक जीवन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हर व्यक्ति अपने कंडीशन के हिसाब से पेंशन जाने का प्लान करता है, और आज जो परिस्थिति बनी हुई है कि कहीं पेंशन तो नहीं बंद हो जाएगी, किसी कोर में बहुत सारे ऐसे लेटर एडवाइजरी प्रपोजल्स चल रहे हैं, हर जवान ये सोचता है कि नहीं, मैं जल्दी से जल्दी फौज में अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरी करने के बाद पेंशन चला जाऊँ। यानी कहते हैं कि पेंशन की परिभाषा क्या होती है, पेंशन एक सेवा काल को आप समाप्त करने के बाद आप सरकारी सर्विस को छोड़ते हैं, जो भी आपको धन मिलता है आपके लिए आपके परिवार के लिए जो सुनिश्चित किया जाता है हर प्रति माह मिलता है उसको हम पेंशन कहते हैं। यानी आप सवाल मेरे पास इतने बहुत सारे आते हैं, साहब मैं नायक हूं, 17 साल सर्विस है, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, मैं हवलदार हूं, मैं 24 साल में जाऊं या मैं 26 साल में जाऊं, मुझे कितना अंतर मिलेगा, मैं सूबेदार तो हूं लेकिन मेरी सर्विस 28 साल है, मैं 30 साल बढ़ाऊं तो मुझे पेंशन में क्या फायदा मिलने वाला है। यानी मैं आपको इस बात को, फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक पेंशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें कि लेंथ ऑफ सर्विस का क्या पेंशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले प्रभावित करती थी पेंशन को कि आपकी ज्यादा सर्विस है तो आपको ज्यादा पेंशन मिलने वाली है, क्या ऐसा है कि आप नाइक हैं या हवलदार हैं या जेएसयू हैं और आपकी कितनी सर्विस है, इसी के बारे में बात करते हैं। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन पेंशन के ऊपर क्या बनता है। दोस्तों जैसा कि ये बोर्ड है, मैंने पेंशन को डिस्क्राइब करने वाला हूं कि आप रैंक चाहे जेएसयू में आप सूबेदार मेजर हैं, सूबेदार हैं या नायब सूबेदार हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, सिपाही हैं। सर्विस की बात करता हूं, जेएसयू 25 साल का है या 28 का है, हवलदार 26 का है या 18 साल में वो हवलदार बन जाता है, नायक 18 साल का या 20 साल का है, सिपाही 15 साल का या 17 साल का है। तो यानी ये जो लेंथ ऑफ सर्विस का जो फैक्टर है ये अब कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, लेंथ ऑफ सर्विस का कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। आपकी पहली टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि आपकी 15 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, आप पेंशनरी जो भी बेनिफिट्स हैं या आप एक्स सर्विसमैन की बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल हैं, और उसके बाद ही आप चाहे आप प्रीमेचर जा रहे हैं या कलर सर्विस जा रहे हैं, पेंशन आपकी डिपेंड करती है बेसिक पे के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, बेसिक पे जो कि आपके मंथली पे जो स्लिप में आती है, आपकी बेसिक पे कितनी है। और जब पेंशन वर्कआउट करते हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या कंसीडर होता है, कौन कौन सी तनख्वाह जो आपको पैसा मिलता है क्या क्या कंसीडर होता है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यानी आपको बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे, ये हैं चार चीजें आपको कंसीडर की जाती। एक्स ग्रुप पे की मैं बात करूं तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्स ग्रुप में, जैसे आपने देखा वो 6,200 रुपए अतिरिक्त उनको पर मंथ मिलता है, यानी आपकी तनख्वाह के अलावा। ठीक है दोस्तों, पहले एक्स ग्रुप क्या होता था, अभी पे अलग करती है, पहले इनका ग्रेड अलग था, तो उस ग्रेड की तनख्वाह थी, अब तनख्वाह सबकी बराबर है, सिर्फ इनको एक्स ग्रुप 6,200। यदि आप इसको नहीं लेते हैं तो आपकी बेसिक पे, एमएसपी और क्लास पे ये जो बनता है, और उसको एक नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं, सपोज करो आपकी बेसिक पे है यानी 34,000 रुपए, चाहे आप हवलदार हैं चाहे नायक हैं कोई फर्क नहीं, आपकी 34,000 बेसिक पे है, 800 आपको एमएसपी आपकी 5,200 है, 800 आपकी क्लास पे है, यानी 34,000 प्लस 5,200 प्लस 800, ये हो जाता है टोटल आपकी 40,000। यानी 40,000 आपकी टोटल पे बन रही है। अब पेंशन किस तरह वर्कआउट होगी, 40,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी 40,000 से 2 का भाग देते तो 20,000 बचा, और 20,000 में आप 20,000, ये जो 20,000 है, 20,000 में यदि आप 50% कम्यूटेशन लेते हो दोस्तों, 50% आप कम्यूटेशन लेते हो तो बचा आपके पास 10,000। यानी जो कम्यूटेशन है वो आपको 15 साल के लिए होता है लेकिन मिलता है 12 साल का है, यानी आपको मिलता 12 साल का है, 15 साल का काट लेते हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। अब आपकी मंथली नेट पेंशन है 10,000, और 10,000 में 20,000 का आप डीए लगा लो, यानी 20,000 का आज वर्तमान के समय में 17 के हिसाब से लगा लो, यानी 17 दूनी 34, 3,400 आपका हो जाता है डीए, और 10,000 हो जाती है आपकी पेंशन, यानी 13,400 रुपए आप नेट पेंशन जो आप हाथ में लेते हो। तब यदि आप कम्यूटेशन नहीं लेते मेरे भाई, कम्यूटेशन लेते तो आपकी 20,000 आपकी बेसिक पेंशन मिल रही है, 20,000 का डीए आप 17 दूनी 34, यानी 23,400 आप ले सकते हो जबकि आप कम्यूटेशन नहीं लेते हो। दोस्तों तो मैंने बात किया था कि कई ऐसे सवाल आ रहे हैं कि साहब मैं जाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, मेरी इतनी सर्विस है, अब मैंने नाइकी ले ली है, अब मैं इतनी सर्विस है,
पेंशन के ऊपर सिर्फ बेसिक पे कंसीडर करते हैं, मिलिट्री सर्विस पे आपके साथ आपकी आती है, क्लास पे आप एक्स ग्रुप से हैं तो एक्स ग्रुप आती है दोस्तों। ये था पेंशन का जो लोचा दिमाग में चल रहा है कि लेंथ ऑफ सर्विस का कोई फर्क पड़ता है या नहीं, तो दोस्तों लेंथ ऑफ सर्विस का अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, हाँ पहले इसका फर्क पड़ता था। ये ऐसे सवाल, किसी के भी कोई डाउट है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं मोबाइल में 10-15 इस तरह के मेरे पास क्वेश्चन हो जाते हैं तो 1.5 से 2 मिनट का मैं वीडियो एक बना दूं ताकि सभी के इस तरह के डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो था पेंशन के ऊपर, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल में सुन रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।